आज शेखपुरा जिले में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी किया गया है। आपको बताते चले कि बिहार के तमाम जिलों में वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी शेखपुरा समाहरणालय में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले 15 सूत्री मांगों को लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। डिमांड है, ये सरकारी कर्मी घोषित करने के लिए डिमांड कर रही है कि हमको सरकारी कर्मी का घोषित करो, अन्यथा 18,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी 18,000 दो। और ये आंदोलन विभिन्न चरणों से गुजर रहा है। आज पुतला दहन का आंदोलन था, 7-8 को सड़क जाम, रेल जाम, इसका आंदोलन होगा। आगे फिर जो होगा इस पर भी वार्ता यदि नहीं होगी, वार्ता दो बार विफल हो चुकी है, अब वार्ता नहीं होगी तो आगे की रणनीति फिर बना देंगे। 15 सूत्री मांगों को लेकर के 5 दिसंबर से हम लोग हड़ताल पर हैं। बीच में 24 तारीख को वार्ता हुई है, लेकिन हम लोग के पक्ष में कुछ नहीं बोला गया। मांग इतना से नहीं सुना जाएगा तो जनवरी 8 तारीख और 9 तारीख को हम लोग चक्का जाम हड़ताल करेंगे और रेल भी का पटरी पर भी सो जाएंगे। चाहे जब ऐसे भी मर रहे हैं तो हम लोग को ऐसे कुचल करके चल जाओ सरकार। और इस बार हम कह रहे हैं, इस बार हम इस सरकार को जीतने नहीं देंगे। हमारे यहाँ हम सविता लोग के दिल में इतना दर्द दिए हैं, इतना सारा काम करवाते हैं, सभी को पैसा देने के लिए इनके पास खजाने में है पैसा, लेकिन सविताओं को देने के लिए एक कौड़ी इनके पास नहीं है। इसलिए सविता का दिल टूट गया तो कुर्सी हाथ से छूट गया।